दोस्तों इस वीडियो में आपको अनगिनत फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप मैनेज कर लेना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑक्टोपस के बारे में। अगर आपको इसके बारे में पहले से ही पता है तो कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको नहीं पता वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज मैं आपको ऑक्टोपस के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां दूंगा जिसे सुनने के बाद एक बार के लिए आप जरूर सोचने के मजबूर हो जाएंगे। गाइस, ऑक्टोपस एक बेहद ही विचित्र समुद्री प्राणी है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इंसानों के पास सिर्फ एक ही दिल और एक ही दिमाग होता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। यही नहीं, ऑक्टोपस के 8 पैर भी होते हैं, है ना गाइस अमेजिंग। मुर्गी अंडे देती है ये तो हम सभी को पता है, पर क्या आप जानते हो मुर्गी अंडे खाते भी है, वो भी अपने खुद के ही अंडे। जी हाँ गाइस, जब मुर्गी के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है जो किसी और खाने से पूरी नहीं हो पाती, तो मुर्गी अपने ही अंडे खा जाती है जिससे उसके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। गाइस, आपने 5-स्टार या 7-स्टार होटल के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया का एकमात्र गोल्डन से बना होटल कौन सा है और कहाँ है? डोंट वरी, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दुनिया का एकमात्र गोल्डन से बना होटल वियतनाम में है, जिसका नाम डोल्स हनोई गोल्डन लेक है। यहाँ की सारी चीज़ें 24 कैरेट गोल्ड से बनी है, जैसे कि लॉबी, इन्फिनिटी पूल, रूम, कटलरी, कप्स, शावर हेड्स, इवन टॉयलेट सीट तक 24 कैरेट गोल्ड से बनी है। यहाँ पे एक दिन रुकने का किराया 25,000 रुपये है। ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए हम सभी ने तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया ही है, पर क्या आप जानते हैं डेबिट कार्ड पे आगे के हिस्से में 16 अंकों का जो ये नंबर लिखा होता है वो क्यों लिखा होता है? डोंट वरी गाइस, अगर आपको नहीं पता तो अब जान लो। पहले के 6 नंबरों को हम बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं और बाद के 10 अंकों के नंबर को यूनिक अकाउंट नंबर कहा जाता है। गाइस, ट्रैफिक रूल तोड़ने, मास्क ना लगाने जैसे कई तरह के आपने फाइन देखा या सुना होगा, पर क्या आपने कभी किसी की चीज़ बिना पूछे छूने पर फाइन देते सुना है? जी हाँ गाइस, हमारे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मलाना गांव में बिना इजाज़त किसी भी चीज़ को छूने पर 1,000 रुपये का फाइन देना पड़ता है। यह एक इकलौता ऐसा गाँव है जहाँ अकबर की पूजा की जाती है। इस गाँव में अगर आप किसी दुकानदार से भी सामान लेते हो तो दुकानदार अपने हाथ से ना तो आपको सामान देगा और ना ही आप उसे अपने हाथ से पैसे दे सकते हो। इसके लिए आपको दुकान के काउंटर पर पैसे रखने होंगे और दुकानदार भी काउंटर पर ही सामान रख देता है। गाइस, दुनिया में प्लास्टिक की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे भारत में ही प्रतिदिन 26,000 टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक तैयार किया जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या है। इसी समस्या से निपटने के लिए असम के एक स्कूल ने 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन ही एक अनोखी पहल की शुरुआत की थी। यह स्कूल स्टूडेंट से फीस के बदले प्लास्टिक का कचरा लेता है। यह स्कूल उत्तर पूर्वी असम के पमोही गांव में अक्सर फाउंडेशन स्कूल के नाम से स्थापित है। यह स्कूल अपने बच्चों से 1 हफ्ते में कम से कम 25 प्लास्टिक की वस्तुएँ लेता है। छोटे बच्चे क्या बड़े भी कार्टून्स देखना खूब पसंद कर रहे हैं। कुछ ऐसे कार्टून्स होते हैं जिसे बच्चे अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं। इन्हीं में से एक कार्टून जिसमें सिंचैन नाम का लड़का है जो कि बहुत शरारती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंचैन की आवाज़ को जिसे हम सभी पसंद करते हैं वह आवाज़ किसकी है? डोंट वरी गाइज, अगर आपको ये नहीं पता तो यहाँ जान लो। जिस आवाज़ को हम सिंचैन की आवाज़ के रूप में सुनते हैं वो आवाज़ किसी और की नहीं आकांक्षा शर्मा की है। आकांक्षा शर्मा एक डबिंग आर्टिस्ट है, उनका यूट्यूब पर फंटूस आशू के नाम से चैनल है। गाइस, फिल्म्स की शूटिंग्स अपने अलग अलग लोकेशंस के लिए हमेशा चर्चा में बना ही रहता है, और आजकल तो इस महामारी की वजह से शूटिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। पर क्या आपको पता है इसी साल आ रही मूवी द चैलेंज की शूटिंग के लिए रूस ने एक एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शूटिंग की परमिशन दे दी है। ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। गाइस, फ्रूट्स का इस्तेमाल तो हम डेली लाइफ में करते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं फलों के ऊपर लगे स्टीकर का मतलब क्या होता है? डोंट वरी गाइस, अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ।
इससे पहले आप ये ध्यान रखना कि फलों पे तीन कैटेगरी के स्टिकर लगे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ये होता है कि फलों के ऊपर लगे स्टिकर जिन पे 5 डिजिट का कोड है और वो 9 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही हेल्दी तरीके से तैयार किया गया है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार किया गया है। दूसरा नंबर ये है कि अगर किसी फल पे 5 डिजिट का कोड है और वो 8 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आधा नेचुरल है और आधा दवाइयों से तैयार किया गया है। तीसरा नंबर, अगर किसी फल पे 4 डिजिट का कोड है और वो 4 से ही शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये वो पूरी तरीके से केमिकल से तैयार किया गया है, इसे बिल्कुल भी ना खाएं। और यही सेम चीज़ वेजिटेबल्स पे भी अप्लाई होती है, सब्जियों पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है, इसीलिए आप जब भी आगे से बाजार जाएं, इनका ख्याल रखना और हेल्दी चीज़ें ही खाना। गाइस, बाइक या कार खरीदते समय आप इंजन के सीसी के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हो ये सीसी आखिर होता क्या है? डोंट वरी गाइस, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के देखने के बाद आप जरूर समझ जाओगे। नॉर्मल बाइक की बात करें तो ये 125 सीसी से शुरू होकर 500 सीसी तक के होते हैं। वहीं अगर हम कार की बात करें तो 1200 सीसी से शुरू होते हैं। बाइक या कार के अंदर इंजन होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। इंजन के अंदर मल्टीपल सिलेंडर का यूज किया जाता है, किसी में 2 सिलेंडर, किसी में 4 सिलेंडर, किसी में 6 सिलेंडर। इसी सिलेंडर के अंदर पिस्टन नाम का पार्ट होता है जो सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मूव करता है। इसी मूवमेंट की वजह से बाइक या फिर कार को एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है। पिस्टन के अप एंड डाउन मूवमेंट से जितनी भी जगह कवर होती है उसे ही हम सीसी कहते हैं। सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी। गाइस, आधार कार्ड की शुरुआत यूपीए सरकार में हुई थी, साल 2010 में 29 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था। आज के वर्तमान समय में 90% से भी ज़्यादा लोगों के पास अपना आधार कार्ड है। खाते खुलने से लेकर सरकारी नौकरी तक और भी कई कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। पर क्या आपको पता है भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसी आदमी का नहीं बल्कि एक महिला का बना था, जो कि महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव टेंभली की रहने वाली थी, रंजना सोमवाने, जिनको 2010 में ही आधार कार्ड मिल गया था। गाइस, हमारी करेंसी रुपए के सिंबल को हम कब से देख रहे हैं, पर क्या आप जानते हो हमारी इस करेंसी रुपए के सिंबल को डिजाइन किसने किया है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप जरूर पता कर लोगे कि इस सिंबल को किसने डिजाइन किया है। गाइस, इस सिंबल को डिजाइन करने वाले का नाम है उदय कुमार धर्मलिंगा, जो कि IIT गुवाहाटी में डिजाइन डिपार्टमेंट के हेड हैं, और इस सिंबल को यूज करने के लिए 15 जुलाई 2010 को हमारी गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दी थी। गाइस, आपने 2000 के नोट पे कुछ बबल्स के स्ट्रक्चर को जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हो ये 2000 के नोट पे बबल्स के स्ट्रक्चर क्यों बने होते हैं? डोंट वरी गाइस, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गाइस, 2000 के नोट पे 3 जगह बबल्स के स्ट्रक्चर बने होते हैं। उसे जानने के लिए आपको तीनों स्ट्रक्चर को अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर में 9, दूसरे में 11 और तीसरे में 16 बबल्स दिखेंगे। गाइस, बेसिकली ये बबल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तीनों मिलके एक डेट को डिफाइन करता है, जो कि मिलके बनता है 9th of November 2016। आपको याद होगा कि इसी दिन गवर्नमेंट ने 2000 के नोट को जारी किया था। गाइस, अक्सर हमारे सामने अलग अलग तरह के मीम्स आते रहते हैं और हम लोग मीम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं, और डेफिनेटली इस चेहरे को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हो ये हंसता हुआ आदमी आखिर स्केच है या फिर ओरिजिनल आदमी की फोटो है? गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है बल्कि एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। जी हाँ गाइस, ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है और ये एक फेमस चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं, जिसका नाम याओ मिंग है। गाइस, आपने कॉफी कैफे, फूड कैफे के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने कभी गार्बेज कैफे के बारे में सुना है? जी हाँ गाइस, हमारे देश में ही गार्बेज कैफे है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ऐसा होटल है जहाँ लोगों को कचरे के बदले खाना दिया जाता है। इस होटल में 1 किलो प्लास्टिक के कचरे पर 1 प्लेट खाना दिया जाता है। इस होटल को गरीबों की मदद करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खोला गया था, जिसका नाम गार्बेज कैफे है। गाइस, इस अद्भुत दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं
जो हमारी कल्पना से बिल्कुल ही परे है। ये तो आपको पता है, पर क्या आपको पता है एक ऐसा भी प्लांट है जिसे छूने के बाद मौत के ख्याल आने लगते हैं। जी हाँ गाइस, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाने वाला इस प्लांट का नाम है जिम्पाई। ये प्लांट पूरी तरह से छोटे छोटे कांटों से ढका हुआ रहता है। इन कांटों में न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, वो जहर जो सांपों में पाया जाता है, जो जहरीले सांप होते हैं उनमें यही जहर पाया जाता है। जैसे ही ये कांटे बॉडी में चुभते हैं वैसे ही इनका जहर भी बॉडी में चला जाता है, जिससे बॉडी में बहुत ही तेज दर्द होता है। इसके कारण लोग मर जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कांटे चुभने के बाद इतना दर्द होता है कि लोगों को इन दर्द के सामने सुसाइड इजी लगता है। हैरानी की बात तो ये है इस प्लांट के फल को लोग खाते हैं जो कि बिल्कुल ही सेफ है। इस प्लांट को ज़्यादातर लोग सुसाइड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। गाय चूहे हम सभी के घरों में पाए जाते हैं और हमारा नुकसान भी कई बार कर जाते हैं। आपका भी कोई ना कोई नुकसान कभी ना कभी ज़रूर किया ही होगा, पर क्या आप जानते हो चूहे ऐसे हमारा नुकसान क्यों करते हैं? डोंट वरी गाइस, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आप ज़रूर जान जाओगे कि चूहे ऐसे क्यों करते हैं। गाय चूहे का चीज़ों को कुतरना उनका शौक नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है। दरअसल चूहे के दांत बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर वो अपने दांतों को किसी चीज़ से ना घिसाएँ, किसी चीज़ को ना कुतरें, ना काटें, तो उनके दांत जो हैं सिर्फ एक साल में ही 1 से 2 इंच बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उनके दांत बढ़ने के कारण उनका जो जबड़ा होता है वो फट सकता है। आई होप के गाइस आप समझ गए होंगे कि चूहे किसी भी चीज़ को क्यों कुतरते हैं और क्यों काटते हैं। आगे से जब भी आपके घर में कभी भी चीज़ें कुतरे हुए मिलें या कटे हुए मिलें तो आप समझ जाना कि चूहे की ये शौक नहीं मजबूरी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइस धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो हम सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता तो समझते हैं कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। धरती में एक तरह का खिंचाव है जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी बॉल को उछालते हैं तो वो बॉल हवा में उछल के नीचे आती है। वो बॉल इसीलिए नीचे आती है क्योंकि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल। क्या आप जानते हो धरती पर कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज़ है ही नहीं? जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो, धरती पर कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करती। अगर आपको इस जगह के बारे में पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अमेरिका के दक्षिण डकोटा में मौजूद कॉस्मस मिस्ट्री एरिया और रैपिडो सिटी, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल भी काम नहीं करती है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वहाँ पे आप सिर्फ एक पैर पे ही बड़े आराम से खड़े हो सकते हो। गाइस भारत में देवी देवताओं के कई अलौकिक और चमत्कारी मंदिर हैं। जितने यहाँ मंदिर हैं उतने ही भक्तों के दिलों में मंदिरों के लिए श्रद्धा भी है। भारत में हर तरफ लड्डू, मेवा, मिश्री इत्यादि इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है। प्रसाद में भी यही बांटा जाता है, पर क्या कभी आपने प्रसाद के तौर पर चाउमीन और मोमोस खाया है? जी हाँ गाइस, कोलकाता से करीब 12 किलोमीटर दूर टांगा शहर से चाइना टाउन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा चाइनीज लोग रहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। यहीं पे स्थित माँ काली के एक मंदिर में चाउमीन और मोमोज का भोग लगाया जाता है। आपको भी जब भी कभी मौका लगे तो माँ काली के इस मंदिर में ज़रूर जाना और माँ काली के भोग लगे हुए प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करना। गाइस दुनिया में कई ऐसी रोचक बातें हैं जो हमें हैरान कर देती हैं, जैसे कि फिलीपींस में पाए जाने वाली बया नाम की चिड़िया, जो प्रकाश में रहने की, प्रकाश मतलब उजाला, रोशनी, लाइट, प्रकाश में रहने की इतनी शौकीन है कि वो अपने घोंसले के चारों तरफ गीली मिट्टी का लेप लगाकर रखती है, तो उन गीली मिट्टियों पर वो चारों तरफ जुगनुओं को चिपका देती है ताकि वो जुगनुओं के प्रकाश में आराम से अपने घोंसले में रह सके। गाइस आपने एटीएम से कैश निकालते हो तो देखा होगा, और आई होप आपने कभी न कभी एटीएम से कैश जरूर निकाला ही हो। क्या कभी आपने ऐसे एटीएम के बारे में सुना है जो कि पैसे नहीं बल्कि अनाज निकालता हो? आज की बात की जाए तो इससे गेहूं, चावल और बाजरा तीनों ही चीज निकलते हैं। जी हाँ गाइस, हरियाणा के गुरुग्राम यानी कि गुरुगांव के फारुख नगर में पायलट परियोजना के तहत इस एटीएम को स्थापित किया गया है, जो कि राशन कार्ड और आधार कार्ड से चलती है, जो कि सिर्फ 1 मिनट में 10 किलो से ज़्यादा और 5 से 7 मिनट के अंदर ही 70 किलो से ज़्यादा अनाज निकाल सकती है। यह मशीन ऑटोमेटिक है जो कि बिल्कुल बैंक एटीएम की तरह काम करती है।
और इस मशीन के अंदर एक टच स्क्रीन के साथ साथ बायोमेट्रिक मशीन भी लगी हुई है, जिससे आप अपने आधार कार्ड और अपने राशन कार्ड की डिटेल भर के अपने हिस्से के अनाज को चुटकियों में हासिल करके लंबी लाइन में लगने से बच सकते हैं। इसको अन्नपूर्ति के नाम से भारत में बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी। इसका नाम ग्रेन एटीएम रखा गया है। ये संजोग तो आपने कई बार नोटिस किया ही होगा कि जब एक ही परिवार के दो सदस्यों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ जाता है, लेकिन सोचिए एक ही परिवार के नौ सदस्यों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ जाए तो। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की एक फैमिली है जिसमें नौ लोग रहते हैं और उन सभी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। पाकिस्तान के लड़काना के रहने वाले आमिर आज़ाद मांगी पत्नी और सात बच्चों को मिलाकर कुल नौ लोग रहते हैं इस परिवार में। दिलचस्प बात यह है कि मांगी के सात में से चार बच्चे ट्विंस हैं। इस अनोखे संजोग को देखते हुए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज है। इससे पहले ये रिकॉर्ड हमारे भारत की एक फैमिली के नाम था। साल 1975 में एक 17 साल का लड़का अपने स्कूटी चलाते समय एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। एक टैक्सी से उनके स्कूटी में टक्कर हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि उसके भाई की भी ठीक एक साल पहले उसी जगह मौत हो जाती है। उसका भाई भी इसी स्कूटी से कहीं जा रहा होता है और यही सेम टैक्सी उसके भाई के स्कूटी में टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उसके भाई की एक साल पहले इसी जगह पे मौत हो जाती है। इस कोइंसिडेंस में नोट करने वाली बात यह है कि दोनों ही एक्सीडेंट के टाइम उस टैक्सी में बैठे पैसेंजर्स भी सेम ही होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कोइंसिडेंस में गिने जाने वाले इस कोइंसिडेंस के बारे में आपका क्या कहना है, मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। इस फोटो को देखने के बाद आपको लगता होगा कि ये फोटोशॉप है, पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आप सच में हैरान हो जाओगे। ये फोटो जो आपने अपने स्क्रीन पे अभी देखा है, ये कोई फोटोशॉप नहीं बल्कि एक ऐसा दिखने वाला सचमुच का एक इंसान है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील का रहने वाला रोड्रिगो ब्रागा कभी ऐसा दिखता था, लेकिन उसे कुत्तों से ज़्यादा लगाव होने की वजह से उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते का सिर यानी कि उनका चेहरा अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपने फेस पे इम्प्लांट करा लिया, जिसकी वजह से रोड्रिगो ब्रागा ऐसे दिखने लगा और उनको लोग अब डॉगमैन के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टीचर द्वारा बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है वो एक तरह का सजा है तो? जी हाँ दोस्तों, साल 1905 से पहले बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाता था, लेकिन साल 1905 में एक टीचर था जिनका नाम था रॉबर्ट नेवलिस, जिन्होंने पहली बार होमवर्क दिया था। और ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि उन्होंने ये होमवर्क एक पनिशमेंट के तौर पे दिया गया था। तब से ही बच्चों को होमवर्क के तौर पे कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। इसका मतलब आजकल जो बच्चों को होमवर्क मिलता है वो एक तरह की सजा है, पनिशमेंट है। इंडिया का नंबर वन टूथपेस्ट ब्रांड कोलगेट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल कोलगेट ही यूज करते हैं। पर क्या आप जानते हो कोलगेट की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल कोलगेट एक अमेरिकन कंपनी है, इसे 1803 में शुरू किया गया था। कोलगेट कंपनी पहले साबुन बनाने की कंपनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली कोलगेट के संस्थापक जो हैं विलियम कोलगेट, उनके डेथ होने के 16 साल बाद कंपनी ने अपना पहला टूथपेस्ट 1873 में लॉन्च किया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि कोलगेट का स्पेनिश लैंग्वेज में मतलब होता है हैंग योर सेल्फ, यानी कि खुद को ही लटका। कंप्यूटर की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें बात आती है टाइपिंग की, और हम आपस में कई बार बात भी करते हैं कि हाँ आपकी स्पीड क्या है टाइपिंग में, पर मैं जब भी आपको बताने वाला हूँ वो हाथ की टाइपिंग नहीं बल्कि नाक से टाइपिंग की बात बता रहा हूँ। जी हाँ गाइस, दुनिया में नाक से सबसे तेज टाइपिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हैदराबाद के रहने वाले इस शख्स के पास है, जिसका नाम है खुर्शीद हुसैन। उन्होंने ये रिकॉर्ड महज 47 सेकंड में 103 कैरेक्टर टाइप करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी हाँ, खुर्शीद हुसैन बताते हैं कि वो इस नाक की प्रैक्टिस के लिए डेली के
चार से पाँच घंटे देते थे। इसलिए आप जिस भी फील्ड में हैं या फिर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। गाइज, पार्ले जी बिस्किट में एक छोटी सी क्यूट सी लड़की को तो आपने देखा ही होगा, पर आपको पता है अब वो बूढ़ी हो चुकी है। अभी वो 64 की हैं, जिनका असल नाम है नीरू देश पांडे। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उनकी ये फ़ोटो खींची गई थी पार्ले जी एड के लिए। पूरी ही दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला बिस्किट पार्ले जी ही है, यानी कि उनके एक दिन में लगभग 48 करोड़ से भी ज़्यादा पैकेट खाए जाते हैं। यानी कि जितनी देर में आपने ये वीडियो देखी उतनी ही देर में 20,000 से भी ज़्यादा पैकेट खोले जा चुके होंगे, है ना अमेजिंग गाइस। 5 रैंडम फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, मलेशिया में पीले रंग के कपड़े पहनना गैर कानूनी है। जी हाँ गाइज, वहाँ पे आप पीले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। फैक्ट नंबर 2, गाइज आपने KGF मूवी तो देखा ही होगा, क्या आप जानते हो KGF में गरुड़ा का किरदार निभाने वाले असल में जस के बॉडीगार्ड हैं। फैक्ट नंबर 3, दवाइयों के बीच बनी इस सीधी लाइन को क्या कहते हैं आपको पता है? इसको देखें, दवाइयों के बीच में बिल्कुल ये सीधी लाइन बनी हुई है, उसको हम डिबोस्ट लाइन कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, गाइज इस आदमी की फ़ोटो को ध्यान से देखना। गाइज मैं इसकी फ़ोटो आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इनको जब हिचकी आई तो इनकी जो हिचकी है वो 68 सालों तक नहीं थमी। इसका नाम चार्ल्स ओसबोर्न है। फैक्ट नंबर 5, गाइज कभी न कभी आपके मन में ये सवाल आया ही होगा कि मोदी जी कौन सा पेन यूज़ करते हैं और उसकी क्या कीमत है। जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी की मॉन्ट ब्लैक कंपनी का पेन यूज़ करते हैं। इस पेन की कीमत है लगभग 1,30,000 रुपये। गाइज पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोग पेड़ काटते जा रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता है। इनसे मिलिए, इनका नाम है दरीपल्ली रमैया। दरीपल्ली रमैया तेलंगाना के रहने वाले हैं। उन्होंने एक बीड़ा उठाया है अपने आने वाले जनरेशन को बचाने के लिए। पेड़ और बीज खरीदने के लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ जमीन तक बेच दी है। जी हाँ गाइज, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वे 84 साल के हैं और अभी तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। उन्हें लोग ट्री मैन के नाम से जानते हैं और साल 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हम भी उनकी इस प्रयासों से सीख सकते हैं और अपने आसपास हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगा सकते हैं ताकि हमारे आने वाले जनरेशन बिल्कुल सही से रह सके और अच्छी हवा में, स्वच्छ हवा में सांस ले सके। दरीपल्ली रमैया जी के इन प्रयास को हम दिल से सलाम करते हैं। गाइज इस वीडियो में 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो हो सकता है आपको ना पता हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, गाइज जो हमारे बाल होते हैं और जो हमारे नाखून होते हैं आपको पता है किस चीज़ के बने होते हैं? गाइज ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से बनते हैं, जिनका नाम है केराटिन। जी हाँ गाइज, केराटिन नाम का एक पदार्थ है जिनसे हमारे बाल और हमारे नाखून बनते हैं, जो हमारे शरीर, जो हमारी बॉडी है वो इसे प्रोड्यूस करती है। फैक्ट नंबर 2, गाइज रैट और माउस में क्या फ़र्क होता है आपको पता है? जबकि इन दोनों का मतलब हिंदी में चूहा ही होता है ना गाइज, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। गाइज जब हम उस चूहे के बारे में बात करते हैं जो साइज में बड़े होते हैं, उस चूहे को हम रैट कहते हैं और वो चूहा जो साइज में छोटे होते हैं उसे माउस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, गाइज आपको ये तो पता होगा कि हमारे फिंगर के जो निशान होते हैं, उन पर जो निशान बने होते हैं, वो निशान किसी अदर पर्सन से मैच नहीं करता। अगर आपको नहीं पता तो आप इसी से ये समझ सकते हो कि हमारे जो आधार कार्ड बने हैं उस पर हमारे फिंगर का भी निशान लिया गया है। वो इसीलिए लिया गया है कि हमारे फिंगर के जो निशान हैं वो किसी अदर पर्सन, किसी और आदमी के फिंगर के निशान से नहीं मैच करेगा। ठीक उसी तरह हमारे टंग यानी हमारी जो जीभ है, जुबान है, उस पर भी एक तरह का निशान होता है, जो हमारे उंगलियों की तरह ही, जो हमारे उंगलियों का निशान है उसी की तरह हमारे जीभ पे भी जो निशान होता है वो किसी अदर पर्सन की जीभ से मैच नहीं करता है। फैक्ट नंबर 4, गाइज हम लोग ATM सिर्फ पैसे निकालने के लिए जाते हैं, पर कैसा होगा जब हमें ये पता लगे कि हाँ भाई ATM से गोल्ड भी निकाले जा सकते हैं। जी हाँ गाइज, कुछ ऐसा ही हुआ था। अबू धाबी के अमीरात पैलेस होटल के लॉबी में दुनिया की सबसे पहली गोल्ड प्लेट निकालने वाली ATM मशीन लगाई गई थी, जिससे 320 तरह के गोल्ड आइटम निकाले जा सकते थे। फैक्ट नंबर 5, गाइज आपने पंजाबी सिंगर बी प्राक का एक गाना दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा ये तो सुना ही होगा, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गाने में एक्ट करने वाला बंदा कोई मॉडल नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह है। 5 रैंडम फैक्ट्स। गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना। फैक्ट नंबर 1,
गाइज इस रिंग को ध्यान से देखिए और मैं ये रिंग आपको क्यों दिखा रहा हूँ इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल भारत के हैदराबाद में स्थित गहनों के दुकान के मालिक कोटी श्री कंठ ने एक अंगूठी तैयार की है जिसमें 7801 डायमंड्स लगे हैं। इस अंगूठी में सबसे ज़्यादा हीरे लगने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। फैक्ट नंबर 2, गाय चाय कॉफ़ी की बात पे किसी की तलाक हो जाए, यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लेके कोई बात हुई और इनका तलाक हो गया, क्या आपने कभी ऐसा सुना है? जी हाँ गाइज, ऐसे ही सऊदी अरब में एक कानून है कि अगर कोई पति अपने पत्नी को कॉफ़ी नहीं देता है तो वो उसकी जो पत्नी है वो उससे तलाक ले सकती है। फैक्ट नंबर 3, गाइज कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के स्क्रीन पर लिखा हुआ पढ़ना या फिर कॉपी में जो लिखा हुआ होता है उसे पढ़ना, इन दोनों में जो टाइम डिफरेंस होता है, क्या भी आपने कभी नोट किया इस चीज़ को? दरअसल कंप्यूटर पर लिखा पढ़ना इसी कागज़ पर लिखे पढ़ने से 25% धीमा होता है। इस डिफरेंस को आप एक बार नोट करके देखना और मुझे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, गाइस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी न कभी रिस्क लेना पड़ता है। ठीक ऐसे ही ओप्पो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रहे बेटे लाओ, उन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ के और उन्होंने अपनी एक नई कंपनी शुरुआत करी। उस कंपनी का नाम है वन प्लस, और वन प्लस आज इतनी बड़ी कंपनी है जिनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते होंगे कि वन प्लस आज कितनी बड़ी कंपनी है। फैक्ट नंबर 5, गाइज हम इंडियंस कई बार सर हिला के हाँ या ना में आंसर देते हैं, जो सामने वाला कुछ पूछता है उसका आंसर हम कई बार सर हिला के हाँ या ना में देते हैं, ये शायद आपने भी कई बार करा ही होगा। पर अल्बानिया एक ऐसा देश है जिसमें अगर आप सिर हिला के हाँ कहते हैं तो उसका मतलब ना होता है, और आप सिर हिला के ना कहते हैं तो उसका मतलब हाँ होता है। 5 रैंडम फैक्ट्स, गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये मैं 5 फैक्ट बताने वाला हूँ उनमें से हो सकता है आपको किसी न किसी एक फैक्ट के बारे में नहीं पता होगा। फैक्ट नंबर 1, गाइस अगर मैं आपसे किसी भी पेड़ की उम्र पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं? अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि इस पेड़ की क्या एज है तो क्या आप बता देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये वीडियो पेड़ काटने वालों के बिल्कुल ही खिलाफ है। पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए सबसे पहले पेड़ के तने को पेड़ से काट के अलग कर दिया जाता है। उसी तने पर कुछ गोल गोल से घेरे बने होते हैं जिसकी मदद से पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, गाइस A to Z यानी A से लेकर Z तक हम सभी ने पढ़ा है और बचपन में हम सभी ने याद भी किया है, पर आपको पता है ABCD के अंदर जो I और J जब भी आता है तो I और J के ऊपर जो डॉट लगे होते हैं उस डॉट को क्या कहते हैं आपको पता है? डोंट वरी गाइस, मैं बताता हूँ, उस डॉट को टाइटल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, गाइस आप भी कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके डिम्पल पड़ते हैं, शायद हो सकता है इसमें से कुछ लोग ऐसे हों जो आपके दोस्त हों। एक फैशन की तरह लोग मान लेते हैं कि हमें इनके डिम्पल पड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर इससे पीछे की कहानी क्या है पहले आप ये जानो। गाइस मांसपेशियों का सही तरह से विकास नहीं होने की वजह से डिम्पल पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इनके डिम्पल पड़ रहे हैं तो मतलब अच्छी बात है। भाई इनके मांसपेशियों का सही तरह से विकास नहीं हुआ है, आपके मांसपेशियों का विकास हो गया है, जब भी आपके डिम्पल नहीं पड़ते तो आज के बाद इसे ध्यान रखना। फैक्ट नंबर 4, ट्रैवल करना किसको अच्छा नहीं लगता है? आपने भी कभी न कभी बाई ट्रेन ट्रैवल जरूर कभी न कभी किया ही होगा, पर रेलवे स्टेशन पे जब भी आप जाते हो तो एक लेडीज है, उनकी आवाज़ हर किसी को सुनाई देती है, ये ट्रेन इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी, इतनी देर लेट से है, या फिर जो भी कुछ आप सुनते हो लेडीज़ की आवाज़ जो होती है वो किसकी होती है, कभी आपने सोचा है? रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली आवाज़ यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये आवाज़ किसी और की नहीं सरला चौधरी जी की है। फैक्ट नंबर 5, गाइज हम कई बार गूगल पे सर्च करते हैं कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ किसके पास है, सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट प्लेन किसके पास है, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में सवाल आया ही होगा यार इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन लैंड किसके पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन की मालकिन क्वीन एलिजाबेथ 2 है, जो कि कानूनी तौर पर पृथ्वी की 16% यानी कि 6.6 बिलियन एकड़ ज़मीन की मालकिन है। गाइज इमेजिन करो इस पृथ्वी की 16%, 16%, वाओ गजब यार। गाइज इस वीडियो में आपको 5 फैक्ट बताने वाला हूँ, अगर ये फैक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करना। फैक्ट नंबर 1, साइना नेहवाल और PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, ये तो हम जानते हैं। बैडमिंटन के शटल कॉक को बतख के पंखों से बनाया जाता है, ये भी हम सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है शटल कॉक में इस्तेमाल किए गए बतख के पंख बतख के दाएं तरफ का है या फिर बाएं तरफ का है? शटल कॉक के अंदर इस्तेमाल किए गए बतख के जितने भी पंख होते हैं
वो बतख के बाएं तरफ के ही पंख लगे होते हैं और एक शटल कॉक का जो वजन होता है 4.74 से लेकर 5.50 ग्राम तक होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको भी अंधेरे से डर लगता है? अगर लगता है तो ये फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। गाइस, अंधेरे में जब हमारी नींद खुल जाए या फिर अंधेरे में जब हम अकेले होते हैं तो हमें डर लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे हमें कोई देख रहा है, मेरे पीछे कोई है। ऐसे ही ढेरों क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे होते हैं जब हम अंधेरे में अकेले होते हैं। पर इसके पीछे का साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि अंधेरे में जब हमें डर लगता है उस डर को निक्टोफोबिया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, भारत बहुत ही बड़ा देश है और बहुत ही शक्तिशाली देश है, लेकिन ऐसे में अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि भारत की सबसे आखिरी सड़क कौन सी है तो क्या आप बता सकते हैं? गाइस, इस पिक को ध्यान से देखिए और ये वही पिक है, ये उसी सड़क की पिक है जो भारत की सबसे आखिरी सड़क है जो कि तमिलनाडु के जिला रामनाथपुरम में मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, गाइस जब भी हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं तो हम उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए हम उनके सेवा में जुट जाते हैं। और हमारे यहाँ पे कहावत भी है, अतिथि देवो भवः। हम मेहमानों को, गेस्ट को देवताओं की तरह मानते हैं, उनकी तरह हम उनको सम्मान देते हैं। पर आपको जान के हैरानी होगी कि तिब्बत में मेहमानों का जो सम्मान है जीभ दिखाकर किया जाता है, जिसे हम भारत में चिढ़ाना कहते हैं। है ना गाइस अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, गाइस गूगल का इस्तेमाल कौन नहीं करता? सभी अपने अपने नीड्स के हिसाब से गूगल का इस्तेमाल करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करोगे डू ए बैरल रोल तो देखोगे कि गूगल का जो होम पेज है वो 360 डिग्री घूम जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई बार करके देखा है, आप भी करके देखना। गाइस, कई बार आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पर सामने की तरफ एम्बुलेंस के अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है, पर क्या कभी आपने सोचा कि एम्बुलेंस पे सामने की तरफ उल्टा क्यों लिखा रहता है? दरअसल एम्बुलेंस का इस्तेमाल पेशेंट के लिए किया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। जब पेशेंट को ले जाया जा रहा होता है एम्बुलेंस के अंदर तो काफी तेजी से चलती है, क्योंकि उसमें बैठे पेशेंट की जिंदगी और मौत का सवाल रहता है। एम्बुलेंस के आगे उल्टा लिखने से आगे चलने वाली गाड़ियों को उनके पीछे वाले शीशे पे सीधे दिखाई देते हैं, ताकि वो एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी रास्ता दे दे और वो एम्बुलेंस उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसीलिए एम्बुलेंस पर सामने की तरफ एम्बुलेंस के अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है। एक मच्छर की औसतन उम्र कितनी होती है? दुनिया का सबसे शुद्ध पानी, दुनिया की वो जगह जहाँ पे धरती का अंत होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा। वीडियो में ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मच्छर की उम्र 10 दिन से लेकर 56 दिन की होती है, जिसमें से मादा मच्छर का सबसे ज्यादा 42 से 56 दिन की होती है और वही नर मच्छर का सिर्फ 10 दिन का होता है। वही बात करें तो मच्छर के 6 पैर और 47 दांत भी होते हैं। वो कहावत है ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। ये बात सही है कि पानी में मगरमच्छ से बिल्कुल भी बैर नहीं किया जा सकता। मगरमच्छ की जीभ नहीं हिलती, ना ही उसे बाहर निकाल सकता और ना ही कुछ चबा सकता। इसका मतलब ये है कि मगरमच्छ की जीभ की बनावट ही ऐसी है कि वो मगरमच्छ चाह के भी अपनी जीभ को नहीं हिला सकता। लेकिन उसके शरीर का पाचन तंत्र इतना पावरफुल होता है कि वह लोहे की कील तक को भी हजम कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी चीज आज के टाइम में प्योर नहीं रहा, हर चीज में कुछ न कुछ मिलावट है। वहीं हम बात करें दुनिया के सबसे शुद्ध पानी की, तो क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे शुद्ध पानी कहाँ मिलता है? डेनमार्क में दुनिया का सबसे शुद्ध पानी पाया जाता है। इसके पानी में उच्च गुणवत्ता मुख्य रूप से भूजल स्रोतों 99% तक प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ के पानी को बिना उबाले, बिना फिल्टर किए डायरेक्ट नल से भी पी सकते हैं। ब्लैक मांबा सबसे तेज स्थलीय सांपों में से एक है, वो इसीलिए कि ब्लैक मांबा रेंगने की गति के मामले में दूसरे सांपों से बहुत आगे है। ब्लैक मांबा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। यह सांप इतना फुर्तीला और आक्रामक होता है कि अगर खतरा महसूस होने पर वो कुछ ही सेकंड में 10 से 12 बार काट सकता है और शिकार के शरीर में 400 मिलीग्राम जहर तक छोड़ देता है। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस सांप का नाम दर्ज है। दोस्तों, इस दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती है, पर क्या आपको पता है 6500 में से सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा चीन की मैंड्रिन भाषा है, जो कि चीन की भी प्रमुख भाषा है, जो कि दुनिया में बोले जाने वाली भाषाओं में से प्रथम स्थान पर है। इसे 89.8 करोड़ लोग बोलते हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन आपने भी कई बार सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि चीन में 5 सूर्य निकलते हैं, यानी कि 5 सूर्य दिखाई देते हैं। दोस्तों यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और कभी कभार होने वाली घटना है। चीन में 5 सूर्य दिखाई देने वाली घटना घटित होने के लिए -20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। सनडॉग फिनोमेना भी कहते हैं। ये जब होता है जब आसमान में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे होते हैं, जिससे किरणों का अपरिवर्तन होता है। बर्फ के इन तैरते कणों से जब सूरज की रोशनी टकराती है तो उनसे 3 से 5 सूरज दिखाई देते हैं। न्यूजीलैंड में हैमिल्टन के पास एक बगान से 7.8 किलोग्राम का एक आलू निकला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आलू हो सकता है। इस आलू की खोज करने वाले कपल ने सबसे वजनी आलू के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में एक एप्लीकेशन भी फाइल की है, जिसकी वजह से इनके नाम को और इस आलू को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया जाए। दोस्तों गर्मियों के मौसम में हम फुंसी और घमौरियों से परेशान रहते हैं। इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम टेलकम पाउडर कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि उसे हम टेलकम पाउडर ही क्यों कहते हैं? वो पाउडर जो शरीर पर लगाया जाए उसे टेलकम पाउडर कहते हैं। हम उसे टेलकम पाउडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो टेलक नाम के पत्थर से बनता है, जिसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। दोस्तों ब्रिटेन ने एक नया कानून लाया है, जिस कानून का नाम है जेंडर न्यूट्रल। इस कानून के तहत करीब 80 स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कर्ट पहनना होगा, वहीं लड़कियों को पैंट शर्ट। यह नियम खासकर ट्रांस बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लागू किया गया है, ताकि वो खुद को किसी भी स्कूल में असुरक्षित महसूस न कर सके। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित ससेक्स नाम का जगह, यह इंग्लैंड का वो जगह है जहाँ पे धरती का अंत होता है। आपने भी कई बार सोचा होगा कि यार हम इतना घूमते हैं, इतना ज़्यादा इधर उधर करते हैं, लेकिन धरती का कहीं अंत नहीं हो रहा, लेकिन ये लो ये वो जगह है। कटे हुए सेब का रंग भूरा क्यों हो जाता है? रामचरितमानस यानी कि रामायण और गायत्री मंत्र के बीच की समानता। अगर कार से जाना संभव होता और हम कार से चांद तक जाते तो कितने दिन लगेंगे? भगवान शिव के गले में जो सांप है उसका क्या नाम है? मांस खाने वाला पौधा। इस वीडियो में ऐसे ही 10 अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फैक्ट नंबर 1, हम किसी भी वस्तु का स्वाद अपने टंग यानी अपनी जीभ से चखते हैं, पर क्या आपको पता है तितलियां किसी भी वस्तु का स्वाद अपने पैरों से चखती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि रामायण और गायत्री मंत्र के बीच में क्या समानता है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। अगर आप रामायण का पाठ करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा। फैक्ट नंबर 3, सेब हम सभी खाते हैं। सेब का इस्तेमाल हम सभी करते हैं अच्छी सेहत के लिए। जब भी हम सेब खाने के लिए काटते हैं और उस कटे हुए सेब को अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसका कलर जो है ना भूरा हो जाता है, कुछ इस तरह हो जाता है। पता है आपको ऐसा क्यों होता है? डोंट वरी गाइस, कटे हुए सेब का रंग भूरा होने का कारण ये है कि सेब में आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए। फैक्ट नंबर 4, एजुकेशन हमारे देश के लिए सबसे बड़ी कमजोरी रही है और आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे एजुकेशन की कमी है। आज भी बहुत से लोग अनपढ़ रह जाते हैं सिस्टम की वजह से। दरअसल नई दिल्ली में रोड ब्रिज के नीचे एक स्कूल खोला गया है जिसमें गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। उस स्कूल का नाम है फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज। उस स्कूल की आप एक झलक देख सकते हैं, ये रही स्कूल की फोटो। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कार से चांद तक जाने में कितना टाइम लगेगा क्या आपको पता है? डोंट वरी गाइस, इस वीडियो को इसी बात पे लाइक कर देना। दोस्तों अगर हम कार से 95 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर हम चांद तक जाना शुरू करते हैं तो हमें 5 महीने 20 दिन, कम से कम 5 महीने 20 दिन लगेंगे। सोच सकते हैं आप, 170 दिन के आसपास हमें लगेंगे चांद तक जाने में, वो भी कार के 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फैक्ट नंबर 6, भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव की फोटो हम सभी ने देखा है और उस फोटो में आपने भी ये देखा होगा कि उनके गले में एक सर्प जो है वो हमेशा लिपटा रहता है। क्या आपको उसका नाम पता है? दोस्तों भगवान शिव के गले में जो सांप लिपटा रहता है उसका नाम है वासुकी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस फोटो को देखना, और ये जो फोटो है ये एक तरह का ट्री है, ये एक पौधा है। आपको देख के विश्वास नहीं होगा कि ये एक पौधा भी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक पौधा है और ये एक मात्र ऐसा पौधा है जो मांस खाता है, क्योंकि इस पौधे की बनावट ही ऐसी है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का उसका मुंह है। जैसे ही इसमें कोई कीट पतंग या कुछ भी इस पे बैठता है ना, तो वो ये पौधा उसको खा जाता है। इस पौधे के नाम से ही पता चलता है
क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। इस पौधे का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। फैक्ट नंबर 8, हाथों में मेहंदी लगी तो आप सभी ने देखा होगा, और मेहंदी उतरने के बाद भी आपने देखा होगा जहाँ जहाँ मेहंदी लगी है वहाँ वहाँ हाथ लाल पड़ चुके। ऐसा क्या कारण है कि मेहंदी में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से मेहंदी लाल हो जाती है? दोस्तों, मेहंदी में लासोन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाती है। फैक्ट नंबर 9, इंसानी दिमाग को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इतने सालों से इस पर रिसर्च चल रहा है लेकिन आज तक इसके बारे में प्रॉपर पता नहीं चला है कि इसमें कितनी शक्ति है, क्योंकि इसकी शक्ति जो है ना अनलिमिटेड है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग ही एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू हम 12 से 15 वाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, दुनिया में 250 ऐसे मृत लोग हैं जिन्हें बर्थ में जमा कर रखा गया है ताकि भविष्य में किसी न किसी टेक्निक की मदद से उसे वापस जिंदा किया जा सके। सोचो, अगर ये टेक्निक आने वाले कल में सक्सेस हो जाती है तो क्या इस दुनिया में कोई मरेगा? दोस्तों, मैं इस वीडियो में 7 रैंडम फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फैक्ट नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता, पर गौतम बुद्ध की जब भी आप फोटो देखते हो तो आपको ये लगता है कि उनके सिर पे ये बाल है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको बाल लगता होगा, पर आप गलत हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गौतम बुद्ध के सिर के ऊपर ये बाल नहीं बल्कि उनके सिर पे ये 108 घोंगे हैं जो कि उनकी तपस्या के समय सूर्य की सीधी गर्मी से बचने के लिए उनके सिर पे रखे गए हैं। घोंगा एक तरह का पानी वाला कीड़ा है जिसे अंग्रेजी में हम स्नेल कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? गाइस, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी झुनझुन सीटो है जिसको हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल छोटी से छोटी चीज को देखने के लिए करते हैं, पर क्या आपने कभी चींटी का चेहरा देखा है? ये कैसा क्वेश्चन है? गाइस, चींटी का चेहरा देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार आप इस फोटो को देखिए, आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से चींटी का चेहरा कैसा दिखता है। जरा देखिए इस फोटो को। फैक्ट नंबर 4, बारिश के समय में अगर आप नदी, तालाब या फिर नहर के पास जाएंगे तो आपको टर टर की जो आवाज सुनाई देती है वो मेंढक की होती है ना गाइस? पर क्या आपको पता है कि हम लोग अगर कुछ उलझलुल कुछ खा लेते हैं तो अगर हमारा उल्टी करने का मन करता है तो हम उल्टी कर लेते हैं, वो जो चीज होती है वो बाहर आ जाती है। पर आपको पता है मेंढक ऐसा कभी नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उसका जो पेट है ना वही बाहर आ जाता है। फैक्ट नंबर 5, ये फोटो अयोध्या के राम मंदिर का है, पर क्या आपको पता है कि राम मंदिर का जो डिजाइन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसे किसने तैयार किया है? राम मंदिर का फैसला 9th of November 2019 को आया था और इस डिजाइन को चंद्रकांत सोमपुरा जी ने तैयार किया है। फैक्ट नंबर 6, हमारे भारतीय व्यंजन में मिर्च का एक अलग ही रोल है और हम खाने के साथ कई बार हरी मिर्च का भी सेवन करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पर क्या आपको दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के बारे में पता है? जी हाँ गाइस, ड्रैगन ब्रेथ दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस मिर्च के खाने से जान भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, जब भी हमें अपने मंजिल तक जाना हो, रास्ते में अगर मुझे ट्रैफिक का पता करना हो या फिर हमें कितनी देर लगेगी अपने मंजिल तक पहुंचने में, उस समय हमारे काम आता है गूगल मैप। गूगल मैप आपको सब कुछ बता देगा कि रास्ते में आप कितना ट्रैफिक है, आपको कितनी देर लगेगी आपकी मंजिल तक पहुंचने में। पर कई बार ऐसे भी होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और हमें उस रास्ते के बारे में नहीं पता होता है, उस टाइम पे गूगल मैप में मौजूद डायरेक्शंस के हिसाब से हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पर क्या आपको पता है उस गूगल मैप में जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो आवाज़ किसकी है? दोस्तों, गूगल मैप में सुनाई देने वाली आवाज़ कैरन जैकॉबसन की है जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर है और वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। दुनिया की सबसे छोटी मछली, यहाँ पे आप वेटर को टिप नहीं दे सकते। पानी में तैरता हुआ एकमात्र एप्पल स्टोर। सबसे खूबसूरत केक। इस वीडियो में ऐसे ही 10 फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें।
ने 44 सेकंड में 2.26 किलोमीटर दूरी तय की है। इसी के साथ कोस्ता ने सुरंग में सबसे लंबे समय तक प्लेन उड़ाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के बाद जब हमारा बिल देने का टाइम होता है, जब पैसे देने का टाइम आता है, तो हम वेटर को कुछ ना कुछ जरूर दे के आते हैं। पर यही सेम चीज़, मतलब ये कि आइसलैंड के अंदर आप किसी भी वेटर को टिप नहीं दे सकते। आइसलैंड में टिप देना वेटर के अपमान के बराबर होता है। दोस्तों, इस फोटो को ध्यान से देखना, आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको यही लग रहा है ना कि एक सजी हुई दुल्हन है, ये सजी हुई दुल्हन की फोटो है। पर आप गलत सोच रहे हो, ये कोई सजी हुई दुल्हन की फोटो नहीं, बल्कि ये एक केक है जिसे लिव्यान शेफ ने बनाया है। इस केक को विश्व का सबसे खूबसूरत केक का खिताब मिला है। दोस्तों, जब भी हमें कभी आईफोन लेना होता है, तो हम आईफोन यानी एप्पल स्टोर जाते हैं। पर एप्पल स्टोर की बात यह है कि सिंगापुर में एक ऐसा एप्पल स्टोर है जो कि पानी में तैर रहा होता है। दुनिया का पहला ऐसा एप्पल स्टोर जो कि पानी में तैरता हुआ आपको दिखेगा, ये आप फोटो में देख भी सकते हैं। प्लास्टिक फ्री होने वाली बॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी, भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस ऑफिसर, ऐसा मास्क जो आपकी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, ऐसे ही 10 जबरदस्त फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फैक्ट नंबर 1, ब्लूटूथ का इस्तेमाल डेटा शेयरिंग के लिए किया जाता था, और अभी के टाइम में एयरबड या फिर ईयरपॉड के लिए किया जाता है। पर क्या आप जानते हो, ब्लूटूथ का नाम डेनमार्क के दूसरे राजा हेरनाल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने नॉर्वे और डेनमार्क को यूनाइट किया था। फैक्ट नंबर 2, कोरोना महामारी से बचने के लिए हम मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपने कभी स्मार्ट मास्क के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, जापान ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो कि वायरस से सुरक्षा तो देगा ही, साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर देगा। इस टेक्नोलॉजी को स्मार्ट मास्क ने विकसित किया है। ये ब्लूटूथ के माध्यम से स्मार्टफोन और टैब में भी कनेक्ट हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो हमें हमारे सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में पता है और उसके नाम भी पता है, पर हमारे बॉडी पार्ट में ही कुछ ऐसी भी जगह है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। जैसे कि हमारे नाक के बिल्कुल नीचे होठो के ऊपर जो दो लकीरों की नाली सी बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं आपको पता है? हमारे बॉडी के इस पार्ट को फिल्ट्रम कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो 24 घंटे का दिन और रात होता है, पर हमारे पृथ्वी पे एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। पता है आपको, एक ऐसा देश जहाँ सिर्फ 40 मिनट की रात होती है, उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। फैक्ट नंबर 5, जब भी हम गुस्से में होते हैं, उस टाइम पे जो हमारे मुंह से निकल जाता है कुछ भी, जैसे कि गाली, जिसे हम गंदी बात कहते हैं, वैसे गाली तो नहीं देनी चाहिए। साफ साफ कहूँ कि गाली देने के बाद जो हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, उसे हम लैलो चीजिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, पोल्यूशन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह में से एक प्लास्टिक, जिसे हमारी सरकार ने कई जगह पे बैन भी किया है। इसी के मद्देनजर बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर 1 बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म का पूरा सेट ही प्लास्टिक फ्री कर दिया गया हो। सेट पर मौजूद सभी को प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतलें दी गई। इस तरह कूली नंबर 1 बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जो प्लास्टिक फ्री हो। फैक्ट नंबर 7, वो पैसा जिसपे आपका हक है, जिसपे आपका अधिकार है, अगर आप उस पैसे को नष्ट करते हैं या फिर उस पैसे को खराब करते हैं, तो क्या आपको पता है इससे कम से कम 7 साल की सजा है। दरअसल इंडियन कॉइन्स एक्ट 2011 के तहत अगर आप किसी सिक्के को या फिर अपने पैसे को अपने अधिकार में उसको जला रहे हैं या फिर उसको नष्ट कर रहे हैं, तो इससे कम से कम आपको 7 साल की सजा हो सकती है। फैक्ट नंबर 8, किताबें तो हमने बहुत पढ़ी है अपनी लाइफ में, और आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, पर क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे मोटी किताब कौन सी है, उसका क्या नाम है? दुनिया की सबसे मोटी किताब श्री हरिचरितमृत सागर है, जो कि भगवान श्री स्वामी नारायण जी की बायोग्राफी है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, इसके बारे में तो आपको पता होगा, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी कौन सा है? पक नाम का तोता दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा तोता है, जिसके डिक्शनरी में 1728 शब्द हैं, और ये 1995 से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाए हुए हैं। फैक्ट नंबर 10, लास्ट फैक्ट, आईएएस बनना सबका सपना होता है, और सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन हो तो हर चीज़ मुमकिन है।
इसी सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन का परिचय दिया है प्रांजल पाटिल ने। दरअसल प्रांजल पाटिल जो भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस ऑफिसर बनी है, जो कि सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन की बेहतरीन मिसाल है। सच्ची निष्ठा और सच्चे मन से कोई भी काम किया जा सकता है और हर वो काम हो सकता है जो सच्चे लगन और सच्चे मन से। जन्मदिन पे बर्थडे गिफ्ट गोल्ड की शर्ट, भारत की सबसे स्वच्छ और साफ नदी। वो कपल जिन्होंने मिल के गटर को भी घर में तब्दील कर दिया। ऐसे ही 10 बेस्ट फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। दोस्तों आप गेम खेलते हैं? अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको पबजी के बारे में जरूर पता होगा। पबजी कितना फेमस है गेमर्स के लिए। पबजी में ही एक मैच में सबसे ज्यादा किल करने का रिकॉर्ड बसर खलील के नाम। उन्होंने एक मैच में 92 किल्स किए, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। दोस्तों टी सीरीज के हनुमान चालीसा वीडियो को यूट्यूब पर 2 मिलियन यानी कि 200 करोड़ से भी अधिक लोग देख चुके हैं। यह भारत का पहला यूट्यूब वीडियो है जिसने 200 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। जय बजरंग बली। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभा जमीन से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। यह जमीन से करीब 42 इंच ऊपर उठा हुआ है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि इस मंदिर के खंभे के नीचे कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। यही वजह है कि यहां आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंत जिले में है। इस मंदिर में एक खंभा हवा में लटका हुआ है। इस कपल ने गटर को भी घर में तब्दील कर दिया। दरअसल कोलंबिया के मारिया गार्सिया और उनके पति मैगुअल रेस्ट्रोपो 23 सालों से एक गटर में रह रहे हैं। इस गटर में उन्होंने घर का सारा सामान रखा हुआ है और उनके साथ एक कुत्ता भी रहता है। इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे छोटे और बौने लोग रहते हैं। जहां लोगों की औसतन लंबाई लगभग 5 फीट होती है, वहीं दुनिया के सबसे लंबे लोग ऊंचे लोग नीदरलैंड में रहते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 फीट की होती है। फुल स्पीड चल रहे पंखे को तो हाथ से भी रोकना नामुमकिन है, यहाँ तो ये जीभ से रोक रही है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जू एलिस नाम की महिला अपनी जीभ की मदद से फुल स्पीड में चलते हुए पंखे को रोक देती है। इसका नाम इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में दर्ज किया गया है। साल 2004 में पंकज पारक नाम के एक व्यक्ति ने अपने 45वें जन्मदिन पर सोने से बनी एक शर्ट खरीदी थी। यह शर्ट लगभग 4 किलो की है, जिसकी कीमत करीब 1.3 करोड़ रुपए है। दोस्तों मेघालय के मावलिया नांग गांव में बहने वाली नदी उमंगकोट, जो कि भारत की सबसे साफ नदी है, इस नदी में गंदगी करने पे 5000 रुपए तक का फाइन लग जाता है। इस नदी को डॉग की नदी भी कहते हैं। दोस्तों लग्जरी मैट्रेस बनाने वाली ब्रिटेन की एक कंपनी सिर्फ बिस्तर पर पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखने के लिए, आराम करने के लिए एक क्लाइंट को 25 लाख रुपए तक की नौकरी दे रही है। ये कंपनी केवल मैट्रेस टेस्टर को जॉब के लिए इतने शानदार पैकेज दे रही है, आप सोच सकते हैं 25 लाख रुपए। दोस्तों अफ्रीकी देश के एरिट्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 महिलाओं के साथ शादी करनी पड़ती है, ऐसा ना करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। दुनिया का सबसे लंबी मूंछ रखने वाला इंसान, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसका अपना कोई नागरिक नहीं है, ऐसा बंदर जिसका वजन 100 ग्राम से भी कम है, दुनिया का सबसे ज्यादा शांत जगह जहाँ पे आपके नसों में दौड़ रहे खून की आवाज तक सुन सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में ऐसे ही 7 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इस दुनिया में टोटल 195 देश हैं। इन 195 देशों में से ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिस कंट्री में 1000 लोग भी नहीं है, मतलब उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 1000 भी नहीं है, 1000 से भी कम है। दोस्तों वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 0.2 वर्ग मील है और इसकी आबादी लगभग 825 है। और मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी इस कंट्री का परमानेंट नागरिक नहीं है। दोस्तों प्याज काटते वक्त हमारी आंखों में आंसू साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड की वजह से आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। ये एक ऐसा फैक्ट है कि आप घर पे भी कभी भी ट्राई करके देख सकते हो। दाढ़ी और मूंछें रखना आजकल एक तरह का फैशन है।
पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे लंबी मूंछों के मालिक कौन है? हमारे भारत के ही राम सिंह चौहान दुनिया के सबसे लंबी मूंछों के मालिक हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4.29 मीटर यानी कि 14 फीट लंबा मूंछ रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी चमगादड़ को चलते हुए देखा है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप कभी भी चमगादड़ को चलते हुए नहीं देख सकते। दोस्तों, चमगादड़ कभी चल नहीं सकता, यह सिर्फ चिपक सकता है और उड़ सकता है, क्योंकि इनके पैरों की हड्डियां इतनी पतली होती है इस मारे वो चल नहीं सकती, बस वो उड़ सकती है। दोस्तों, आपने इस प्रजाति के बंदर को कभी देखा है, कहीं पे देखा है? बंदर के इस प्रजाति का नाम है पिग्मी मॉर्मोसेट। यह दुनिया की सबसे छोटी बंदर की प्रजाति है। यह इतना छोटा होता है कि आप देख सकते हैं कि इसे उंगली पे भी रखा जा सकता है। इसका वजन लगभग 100 ग्राम के करीब होता है और इसका जीवन काल लगभग 12 साल का होता है, यानी कि ये 12 साल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अगर आपसे कोई ये पूछे कि दुनिया की सबसे शांत जगह कहाँ है, कौन सी है, तो क्या आप बता सकते हैं? एनाकोइक चैम्बर नाम का जगह धरती पर सबसे शांत जगह है। यहाँ पर आप अपने दिल की धड़कन, फेफड़ों की ध्वनि, पेट की गड़गड़ाहट और हमारे जो नसों में जो खून दौड़ रहे होते हैं उसकी तक आवाज आप सुन सकते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसान और कुत्ते के बीच का जो प्यार है, मे भी इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान और कुत्ते ही दो ऐसी प्रजातियां हैं जो किसी की आंखों में देखकर उसके हाव भाव का पता लगा सकते हैं।